ये क्या कर रहे हो राजीव? बिजलियों के इस रोमांटिक शहर के साथ खेल रहा हूँ। तुम्हें लव करना सिखा रहा हूँ। हमें नहीं सीखना है लव करना। अब आप अपने कमरे में जाइए प्लीज। हाँ नहीं, देखो लव करना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। हर एक पत्नी को सीखना पड़ता है, वरना पति देव नाराज हो जाते हैं। देखिए, हम आपकी पत्नी नहीं हैं। अभी हमारी शादी को कुछ दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ, अभी कर लेते हैं शादी? I, Rajiv Lal, accept you as my legal and wedded wife. Lo, ho gayi shaadi. And now, my bridal kiss. Rajiv, please. मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने कमरे में चले जाओ। गंगा, गंगा मेरे जितने भी अंग्रेजी दोस्त हैं ना, सब अपनी अपनी सहेलियों के साथ बंद कमरे में जिंदगी का मजा ले रहे हैं। No pretensions. राजीव, तुम समझने की कोशिश करो। वो लोग पश्चिमी हैं और हम हिंदुस्तानी। हमारी संस्कृति में लड़के लड़कियां शादी से पहले ऐसे संबंध नहीं मानते। तो गंगा, हमारी भी तो 10-15 दिनों में शादी होने वाली है ना। तो थोड़े दिन रुक जाओ ना प्लीज। सात फेरे तो होने दो, मुझे तुम्हारी पत्नी तो बनने। गंगा, सात फेरे इज ऑल बुलशिट। इट्स अटर नॉनसेंस। I mean, let's not waste time, okay? So come here. छोड़ो मुझे, मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम साले हिंदुस्तानियों से ज्यादा झूठा और मक्कार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सेक्स का नाम लो तो रोने लगते हो। लड़के लड़कियों को जानवरों की तरह अलग अलग बांध के रखते हो। औरतों की सोसाइटी अलग, मर्दों का समाज अलग, मगर बच्चे पैदा करने में आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यू ऑल आर हिपोक्रेट्स, यू ब्लडी इंडियंस। तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, सभी के सभी अनपढ़ गवार, डबल स्टैंडर्ड्स, स्टूपिड पीपल। और सब सुनोगी, तुम्हारा इंडिया भी शिट के सिवाय कुछ नहीं है। एक गोबर की तरह इसमें से बास आती है, बास। निशाचर, तुमने हमारी इंडिया को गाली दी? तो सुनो, आज हम तुम्हारे साथ ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ते हैं। तुम्हारी दी हुई इस झूठी अंगूठी को हम धिक्कारते हैं। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी नशीली अमेरिका को हम हिंदुस्तान की ज्योति समझते हैं। मैं पूछता हूँ, गंगा गायब कैसे हो गई? कह तो रहा हूँ डैड, मुझे नहीं मालूम। सुबह उठा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। पता नहीं मुझे कहाँ गई वो। I can't believe it. जयकिशन, पुलिस कमिश्नर को फोन करो, उससे अपॉइंटमेंट लो कि मैं उससे फौरन मिलना चाहता हूँ। सैंडी, तुम आओ मेरे साथ। डैनी, यू ऑल्सो कम विद मी। हम कह देते हैं हमारी बेटी को ढूंढो, नहीं तो हमारा भाई गंडासा लेके यहाँ पहुंच जाएगा। हेलो अर्जुन, इस ट्रक ड्राइवर का कहना है किसने किसी इंडियन लड़की को वाटर फ्रंट रेलवे स्टेशन पर छोड़ा है। गंगा, क्या हुआ? क्या हुआ?
रो मत प्लीज, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अरे बोलो ना गंगा, ये क्या क्या तुमने? अकेली भाग आई तुम? गंगा हुआ क्या? गंगा बोलो ना, हुआ क्या? गंगा बताओ मुझे, रो मत, हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? किसने किया ये? किसने किया बोलो? अच्छा अच्छा चलो चलो भी, रो मत, कर चलो। नहीं, हमें घर नहीं जाना। देखो कर, नहीं कर तो वापस। नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। गंगा Oh, she's good. But come on, baby. देख लिया ना, मैंने कहा था ना तुमसे ये पर्दे से, चलो यहां से। Lovers, huh? ये सच है डैड, दीपक ने अपनी आंखों से उन दोनों को एयरपोर्ट पर दिल्ली की फ्लाइट पर चढ़ते देखा है। ये सच नहीं हो सकता। सच को कबूल करने की हिम्मत रखिए भाई साहब। सच यही है कि अर्जुन गंगा को भगाकर इंडिया ले गया है। नहीं 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 नहीं, हेलो हेलो, मुझे अमेरिका फोन मिला कर दीजिए, लॉस एंजलिस नंबर है। बिल्कुल फोन नहीं करेंगे आप, कभी भी फोन नहीं करेंगे। मर गए हम उनके लिए और वो भी मर गए हमारे लिए, बस बस। दीदी दीदी उठो ना, मैं डब्बू हूँ। दीदी प्लीज उठो, दीदी दीदी। उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम आज रात की फ्लाइट से इंडिया जाएंगे पॉल। इंडिया टू फाइट? यस। नो इट्स नॉट राइट। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट बैड पीपल राजीव, वी आर गुड इंडियंस। बट आई एम बैड पॉल। गंगा को यहां आना पड़ेगा। गंगा मेरी है और मेरी रहेगी, मेरी रहेगी। आस्तीन के साथ अब पता चला कि तेरा असली खेल क्या है। क्या खेल है मेरा? गंगा को अपने प्यार में फंसाकर तूने मुझे और किशोरी लाल को धोखा दिया। झूठ बोला है तूने कि राजीव ने ऐसा किया। पापा, आपको मेरी कसम, ये क्या कर रहे हो? जिसने हमारी रक्षा की उसी को जाकल हुई मर चल गई उधर ही। सगाई के जोड़े में भेजा था तुझे, अच्छा होता कि तेरी अर्थी यहां आती, काला मुंह करा के इस कमीने के साथ तो आती। ये क्या कर रहे हैं आप? आ?
अब आप गंगा को नहीं मारेंगे बाबूजी। मैं गंगा का खून कर दूंगा। उसके खून से पहले मेरा खून बहेगा और ये भी यही कहेगा कि गंगा गंगा की तरह पवित्र है। गेट आउट। मैं चला जाऊंगा बाबूजी, अभी इसी वक्त, हमेशा के लिए। लेकिन अब आप गंगा पर हाथ नहीं उठाएंगे। चले जाओ यहां से। भगवान के लिए चले जाओ अर्जुन, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पापा नहीं, अर्जुन बेकसूर है पापा। मत जा, मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। धोखा दिया तूने मेरे साथ, धोखा किया है। हमारे विश्वास को तोड़ा तूने, इस परिवार की इज्जत धूल में मिला दी। मर जा तू, मर जा। पापा, पापा नहीं, पापा, पापा, मैं सच में मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। पापा से रोक लो, पापा से रोक लो, पापा। ₹50 का भाई ये ले जाते हैं, बाबा मन की मुराद पूरी होती है। यहाँ का ये प्रसाद के तौर पे ले जाते हैं। भाई साहब, ये मथुरा की बस कब आएगी? भाई साहब, मथुरा की बस तो गई। कितनी देर पहले? एक घंटा हुआ भाई। तो फिर कोई दूसरी बस आएगी क्या? शाम को है भाई। कितने बजे? 6:30 बजे। कहाँ गए हो भौजी? कहीं का नहीं। फिर सोनाली, दक्षा, तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, अर्जुन और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये सब झूठ है। तो इस झूठ को सच में बदल दो दीदी। हाँ दीदी, हम सबकी राय यही है कि सच्चा प्यार आपको अर्जुन भैया ही करते हैं, राजीव नहीं। याद है दीदी, एक बार तुमने कहा था, गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए। दीदी, वो खुशबू सिर्फ अर्जुन में है। तुम्हें तो इस बात का बाद में पता चला, हमें तो शुरू से पता था। अरे क्या पट्टी पढ़ा रहे हो गंगा को? गुपचुप गुपचुप, चलो जाओ यहाँ से चुपचाप। नानी माँ, हम तो ऐसे ही। जाओ यहाँ से, सूरज आ जाएगा तो गला काट देगा सबका। बेटी, ये थोड़ा सा खा ले, भूखी हो कब की। नहीं नानी माँ, हम कुछ नहीं खाएंगे। बिटिया, सूरज देव और नर्मदा ने तुम्हें बंद किया है क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, पर इस बुढ़िया की आंखें इस उम्र में भी खुली है। लक्षा और सोनाली ने तुमसे जो कहा है ना, वो राय मेरी भी है। दादी माँ। बेटी, अर्जुन ईश्वर का भेजा हुआ एक वरदान है तुम्हें, और ऐसे वरदान को आसानी से छोड़ते नहीं। जाओ, रोक लो उसे। मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूं, कर भी रही हूं। तुम्हें यहां से चुपचाप निकालने के लिए सारा बंदोबस्त किया जा चुका है। वो देख, तेरे सिपाही तुझे इस जेल से निकालने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे रामू, कहां गया तू? रावण से बोले, हे राजन। सुनती हो माँ? सुना है राजीव इंडिया पहुंच गया है। अच्छा, सूरज कहाँ है? ये गए हैं कुलवंती बहन और किशोरी लाल जी को लाने। क्या, किशोरी लाल भी यहाँ आ रहा है? क्या जवाब देंगे हम उनको? परंतु सामर्थ्य के मेल मिला।